नमस्कार, मैं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक एसआर। आज आपके बीच आया हूं डिस्कशन करने के लिए, बात करने के लिए, इंटरव्यू लेके कि आईसीआर AIEEE यूजी एग्जाम होता है जो बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन के लिए होता है, तो इसमें बच्चों का इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्या रिएक्शन है? पेपर कठिन कितने आए थे, मध्यम लेवल के कितने आए थे, ईजी कितने आए थे, कैसे उन्होंने कितने घंटा पढ़ा और क्या उनका अनुभव रहा इस तैयारी के दौरान में, उसके बारे में हम इंटरव्यू करेंगे। और हमारे बीच में है एक विद्यार्थी शुभम कुमार, तो शुभम कुमार को बुलाऊंगा और उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या रिएक्शन है उसके बारे में। शुभम कुमार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि आईसीआर यूजी का इस साल का एग्जाम कैसे रहा। हम आपसे चाहेंगे कि आप अपनी बातें शेयर करें। सबसे पहले तो आप बताइए आपका नाम और कहां से आए हैं। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं बिहार से रहने वाला हूं और मैं एग्री कोचिंग दिल्ली लगभग मैं 4 मंथ में ही आया हूं, मैंने 4 मंथ मुझे आए हुए हुआ और मैं इतने कम समय मैंने ट्राई किया है मैं क्या ताकि मैं आईसीआर यूजी को क्लियर कर सकूँ। तो आप पूरा साल भर तैयारी नहीं कर पाए, मतलब आप इसी साल पास किए 12वीं को? यस सर। तो 12वीं पास होते ही रिजल्ट आपके हाथ में आ गया था, उसके बाद आपने ज्वाइन किया था? यस सर। तो आप यहाँ केवल 4 महीना था तभी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए और उसके बाद में आपकी तैयारी चालू हुई? यस सर। आप 11वीं 12वीं में क्या था आपका सब्जेक्ट? 11वीं और 12वीं में मैंने एग्रीकल्चर लिया था। 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर था, तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में तैयारी किए तो आपका सब्जेक्ट क्या क्या था? एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो। मतलब आप ABC ग्रुप के हैं? जी सर। तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपने अपनी किस्मत आजमाई। तो ये जो 4 महीने का जो तैयारी है, क्योंकि आपके लाइफ में जैसे आप बता रहे हैं कहीं और आपने बीच में कंपटीशन एग्जाम को कहीं तैयारी किया था 10 के बाद या कभी और? नो सर, मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी नहीं किया था। ये पहला अनुभव है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को लेकर के? ठीक है। यहाँ जैसे कि आप 4 महीना में तैयारी किए तो ये 4 महीने का आपको तो लोड पड़ गया होगा सब कुछ कवर करने का या बाकी चीज को लेकर के? ये सर, क्योंकि जो लॉकडाउन में कुछ पढ़ाई हुआ नहीं था और लॉकडाउन के बाद जैसे खुला और एग्जाम मैंने दिया क्लास 12th का, जैसे तैसे मैंने उसको क्लियर किया और उसके बाद मैं आया यहाँ पर आईसीआर यूजी का तैयारी करने के लिए। बहुत ऐसा चीज़ जो था मुझे एग्रीकल्चर के बारे में मालूम नहीं था, तो मुझे कोचिंग में आने के बाद मुझे मालूम चला कि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे फील्ड हैं। तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर माहौल मिला पढ़ने का बहुत ही कम समय में और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। जो सबसे अच्छा मुझे लगा इस कोचिंग का वो है एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री। तो जैसे एग्रीकल्चर है तो आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर पढ़े थे 11वीं 12वीं में और यहाँ पे जो आईसीआर यूजी एग्जाम के लिए आपने एग्रीकल्चर पढ़ा, तो वो कुछ डिफरेंस पाया कि सेम उसी तरह का था एग्रीकल्चर? नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया क्योंकि मैंने 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर उतना मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि मुझे जो लगभग जो मेरा एडमिट कार्ड आया तब मुझे मालूम चला कि नहीं मुझे आईसीआर यूजी की अभी तैयारी करना, क्योंकि मुझे सिर्फ ये लगा था कि इंटर करने के बाद मैं कहीं प्राइवेट जो कॉलेज ले लूँगा। लेकिन फिर नेट पर मैंने सर्च किया तो बहुत मालूम चला नहीं जो प्राइवेट जो कॉलेज है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया था। ठीक, आपने मतलब गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर में उनमें एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। yes. तो इतना कम टाइम आपका प्रिपरेशन था, मात्र 4 महीना आपने तैयारी किया, तो यहाँ जो लोड बढ़ गया था आपके ऊपर में इतने सिलेबस कवर करने हैं उसको आपने कैसे डील किया? सबसे पहले मैंने ट्राई किया जो छोटे छोटे चैप्टर उसको कवर करने का, तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको, तो ज़्यादातर मैंने टाइम दिया एग्रीकल्चर को क्योंकि एग्रीकल्चर मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। एग्रीकल्चर, आप ऑलरेडी 12वीं में एग्रीकल्चर पढ़े थे, फिर बायोलॉजी को आपने कैसे डील किया? बायोलॉजी को मैंने डील किया क्योंकि जो यहाँ पर कंटेंट मिलते थे उसको और मैंने सेल्फ स्टडी किया और ज़्यादातर मैंने NCERT को प्रेफर किया था। केमिस्ट्री कैसे रहा आपके लिए, क्योंकि 11वीं 12वीं में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा था आपने? थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री, तो उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं है क्योंकि बेस थोड़ा था तो केमिस्ट्री भी अच्छे से निकल गया। एग्री कोचिंग दिल्ली है, एग्री कोचिंग दिल्ली, इसका क्या आपके फीडबैक देना चाहेंगे, आपकी तैयारी कैसे यहाँ पर रहा, क्या आप करना चाहेंगे? एग्री कोचिंग दिल्ली का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते हैं बहुत ही बड़ा रोल है, मेरा क्रूशियल रोल है क्योंकि मुझे उसके पहले मुझे बेस थोड़ा सा भी मुझे एग्रीकल्चर में नहीं था,
तो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ एग्रीकल्चर के बारे में, सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ सर। तो थैंक यू शुभम कुमार, आपने आपका रिएक्शन है, व्यू है वो शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। तो यह है शुभम कुमार, इन्होंने अपनी बात रखा, ये कम समय के लिए आए थे इंस्टीट्यूट में तैयारी करने के लिए, और इतने ही टाइम में इन्होंने इस साल ये चांस बनाने की कोशिश की कि इनका सिलेक्शन हो जाए। अब ये रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं और रिजल्ट उम्मीद करते हैं, हम कामना करते हैं कि इनके फेवर में आए। इन्होंने आते समय में इनके गार्जियन ने भी ये कहा था कि ये अगले साल को मेन टारगेट रखेंगे, लेकिन इस साल को ये मोटा मोटा कि सिलेक्शन हो जाए, ये सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनाने की कोशिश इन्होंने किया था। थैंक यू वेरी मच।